गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। पौड़ा के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों आप सबके कमेंट्स रहते हैं, भाई कौन सी गाड़ी लेनी है, नई ले, पुरानी ले, सीएनजी ले, डीजल ले, हैचबैक ले, ले तो ले कौन सी ले। काफ़ी सारे भाइयों के कॉमेंट्स यही रहते हैं कि हमको ओला उबर में काम करना है तो कौन सी गाड़ी सही रहेगी, क्या ठीक रहेगा, किस प्लॉट पर हमें काम कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, भाइयों के कमेंट रहते हैं एक दिन में कमाई कितनी हो जाती है। तो इसी टॉपिक में हमारा वीडियो रहेगा और सारी बात करेंगे और जो भी क्लियर होगा वो सारा कुछ बताएंगे। सजेस्ट हम आपको किसी भी चीज़ में नहीं करेंगे, जो आपकी इच्छा हो वो गाड़ी परचेस कर सकते हैं। और रहा समाई कमाई का सवाल, तो काम करेंगे उस हिसाब से कमाई होता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों काफी सारे भाइयों के कमेंट रहते हैं कि हमको यार गाड़ी लेनी चाहिए तो कौन सी ले, पेट्रोल ले, सीएनजी ले, नई ले, क्या सेकंड हैंड यूज कार बहुत बेहतर रहेगी। तो दोस्तों देखो, ओला उबर के प्लेटफॉर्म में काम करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और आप नई गाड़ी परचेस करने जाएंगे तो आज की तारीख में 10 लाख रुपए से कम में कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ठीक है भाई। आप एक वेगनार भी लेने जा रहे हैं तो उसकी भी कीमत 7-8 लाख रुपए मैक्सिमम है ही। अगर एक सेडन कार परचेस कर रहे हैं उसकी भी कीमत आपको मालूम ही है मार्केट में क्या रेट है। तो दोस्तों अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं, और आप लोकल में काम करेंगे क्या, आप आउटसाइड में काम करेंगे, सबसे पहले वो आपको डिसाइड करना होगा। देखो काम लोकल में करने के लिए आपके पास कोई भी गाड़ी होगी चलेगी, सेडान है, हैचबैक है, उसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं मार्केट को लेकर। जो ट्रैवलिंग का बिजनेस है वो हमारे जो राइडर होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो किड साइड जा रहे हैं। वो पिछले मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ कि आईटीका गाड़ी ने भाई लोगों सिडान वाली गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया है। और मेरी शहर में इतना डिफरेंट है तो मुझे लगता है ऑल इंडिया में सारे शहरों में यही इशू होगा। मैं अपना हकीकत बता रहा हूँ, ये सच्चाई है भाई, बिल्कुल भी आप इस चीज़ को भी देख लें। क्योंकि आप अगर गाड़ी एक सिडान खरीद रहे हैं, मारुति की परचेस करें या किसी की भी परचेस कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए से कम नहीं आ रही है। माना आपने 6 महीने लोकल में काम किया, आपको अच्छा नहीं लगा, बोला यार हमको काम करना है, ऑडिशन का काम करना है, तो वो भी चीज़ आप डिसाइड करें सबसे पहले। गाड़ी आप परचेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप ऐसी गाड़ी परचेस करें जो आगे आने वाले टाइम पर भी यूज कर सकें। आप कंटिन्यू सोच के विचार कर रहे हैं कि नहीं हमको यार बाहर की ड्यूटी करना ही नहीं है, तो आप एक छोटी हैचबैक कार ले लें बेहतर रहेगा। हैचबैक ले लें, सेडान ले लें, सीएनजी तो अच्छी रहेगी लोकल में काम करने के लिए भाई। अब भाइयों के कमेंट रहते हैं कि भाई नई लें क्या यूज कार लें, तो भाई मैं आपको सजेस्ट इस चीज़ में थोड़ा सा करूँगा। क्योंकि आप अगर ओला उबर के प्लेटफॉर्म पर ही काम करना चाह रहे हैं तो आप एक सेकेंड हैंड यूज कार लें, काफ़ी अच्छी बेनिफिट होगी उसमें, काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। और आप 8-10 लाख रुपए डालेंगे उसकी जगह 2-3 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में मस्त गाड़ी आ जाएगी आपके यहाँ। मेरा एक दोस्त है, उसने 2.5 लाख रुपए में गाड़ी ली है, हुंडई की एक्सेंट, काफ़ी बेहतर गाड़ी है। उस भाई के पास पहले वैगनार थी, जो नई वाली मॉडल की जो वैगनार आ रही है सीएनजी में वो थी। उसने जो काम का स्टार्टिंग किया था वो एक लीज की गाड़ी, सॉरी रेंट की गाड़ी ली थी, उसने 2 महीने चलाई, उसको एक्सपीरियंस अच्छा लगा। फिर उसने गाड़ी जो परचेज़ की थी वो मारुति की जो डिज़ायर है, सॉरी मारुति की वैगनार जो न्यू मॉडल में आ रही है सीएनजी, वो उसको लिया, उसको उसने 2 साल चलाया और 2 साल में गाड़ी समझ लो उसने काफ़ी अच्छी खींची और गाड़ी बोला ख़त्म हो गई, मारुति की ज़्यादा नहीं चलने वाली है। और 1.5 लाख समथिंग उसने चलाई थी गाड़ी। और मारुति बोलते बोला कि मेरा दोस्त यार उससे जो मेरी बात हुई है, बोला गाड़ी ज़्यादा नहीं खींच सकती, सीएनजी गाड़ी है, तो मैंने उसको निकाल दिया, उसको अच्छे पैसे मिल गए, कोई उसको परचेस करने वाला मिल गया, तो उसने वो गाड़ी को बेच दिया हाथों हाथ। और बेचने के बाद वो गाड़ी लेके आया कैश की 2,47,000 में, नाम आम ट्रांसफर के साथ सारा कुछ लेके आया वो। और अभी डीजल में है, अच्छे खासे चला रहा है उसमें,
अच्छे खासे पैसे अर्निंग कर रहा है। तो दोस्तों आप भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिंदास। तो आप गाड़ी अगर लें तो एक सेकेंड हैंड यूज कार लें, ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए अच्छी रहेगी, बेहतर गाड़ी है। और देखो ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो आपको ज़्यादा कॉस्टली गाड़ी भी नहीं लेनी है, फंस जाओगे, ज़्यादा ज़्यादा पैसे डालने हैं। देखो भाइयों गाड़ी की नई गाड़ी आप परचेस करने जाओगे बहुत ईएमआई आता है, कम से कम 10, मेरी गाड़ी का 16,790 रुपये ईएमआई है। और आप इतनी लंबी ईएमआई कराओगे, 5 साल की भी कराओगे तो भी 15,000 रुपये के से कम में कोई ईएमआई नहीं आने वाली है। और आप जानते हैं कि ईएमआई गाड़ी पे आप ईएमआई भरोगे क्या, गाड़ी चलाओगे, खर्चा करोगे, काफ़ी जगह भी ऐसा होता है ओला उबर आपकी आईडी बंद कर दे तो क्या करोगे भाई। तो काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना के डाल दिए हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। अगर आपका ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप उनके अंदर काम कर सकते हैं बिंदासली, वो भी ओला उबर के जैसे ही हैं सारे प्लेटफॉर्म, और ऑल इंडिया कवर है, काम सिर्फ ऑडिशन का ही होगा, बाकी लोकल का नहीं है। और मैं ये भी देख रहा हूँ भाई ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी बुकिंग्स कम हो गई हैं, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, मेरे शहर में तो बहुत ही कम हो गई है, 20% 30% ही बुकिंग बची है, और आउटस्टेशन की बुकिंग तो बची ही नहीं है, वन वे का बुकिंग है ही नहीं, जो ड्रॉपिंग में होता है ओला का वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ऊबर का इतना रेट ख़राब है कि आप उसका मन ही नहीं करेगा उसको मानने में, 100 किलोमीटर तक की ऊबर की कोई भी बुकिंग कर लो बेकार है, 100 के ऊपर की हो तो भी बेकार है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग आ रही है तब थोड़ी अच्छे पैसे देता है, बाकी बेकार है। दोस्तों कमीशन इतना हाई है, 25% 27% ओला लेती है, 25% ऊबर लेती है। तो आप अगर कमीशन भरेंगे सारा कुछ काम करेंगे तो आपका घर का भी बजट निकालना है, अपना भी निकालना है, मैक्सिमम आप लोकल में काम करेंगे ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे, तो मैं बोलता हूँ बाहर की ऑडिशन की बुकिंग करने के बजाय आप लोकल में काम कर ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आपकी अर्निंग हो जाएगी कम से कम 1500-2000 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी पर डे की, ऑडिशन के चक्कर में ना पड़े। ऑडिशन का काम करना है तो दूसरी प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे है, वन वे का बुकिंग आता है तो भी बहुत अच्छा है, ओला उबर देता है तब नहीं देता है, एक तो प्रेशर रहता है, दबाव रहता है कि आपको हर बुकिंग करना है और लोकल भी करना है, ये भी करना है वो भी करना है। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो नए आते हैं प्लेटफॉर्म में, भाई आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है, होने वाला होता है तो बहुत कुछ होता है भाई, ओला हो उबर हो क्या कर सकता है कोई मालूम नहीं। और अभी तक लोगों के दो तीन भाइयों ने कमेंट किया भाई हमको 2 साल हो गए और आप बोलते हो कि ओला उबर की आईडी बंद कर देता है, तो मैं बोला आपका बहुत शुक्रिया जो आप 2 साल से काम करो और आपका भाई आईडी बंद नहीं हुआ और अभी तक आपके साथ कोई इशू तो नहीं हुआ। दोस्तों तो अगर आप दोस्तों ओला उबर के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो बिंदासली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लें, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और कम यूज हो, और प्राइवेट ही लेना भाई, उसको टैक्सी में कन्वर्ट करा लेना, टैक्सी में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। और एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जिस शहर में आप गाड़ी ले रहे हो, जिस शहर का आरटीओ है, जैसे माना कोई भी आप स्टेट में रह रहे हो उसी शहर की ही गाड़ी, उस जो नंबर आता है ना उसी नंबर में परचेस करना, कम पैसे खर्च होंगे ट्रांसफ़र में। आप जिस शहर में रह रहे हैं दूसरे शहर की आप गाड़ी परचेस करके लाएंगे फिर आपको अपने आरटीओ में ट्रांसफ़र कराएंगे, उसमें थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होते हैं। और आप सेकेंड हैंड यूज कार ले रहे हैं तो अपनी ही शहर की गाड़ी परचेस करें, उसके नंबर में ट्रांसफ़र करने में काफ़ी कम खर्चा आता है, और खाली इंश्योरेंस चेंज होता है, ट्रांसफ़र के थोड़े से बहुत पैसे लगते हैं। बाकी बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सेकेंड हैंड यूज कार जो प्राइवेट होती है वो टैक्सी में ट्रांसफ़र करने में कितना खर्चा होता है, खर्चा भाई अलग अलग स्टेटों के हिसाब से और अलग अलग शहरों के हिसाब से ही मेंटेनेंस और जो खर्चा होता है वो कॉस्टली, जो कॉस्ट आती है वो उस शहरों के हिसाब से ही आती है, हर शहर का अलग अलग होगा। तो दोस्तों आपका जो कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत निकल गया होगा, डाउट जो है जो भी है, नई गाड़ियाँ परचेस कर रहे हैं वो चीज़ देख लें, और आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो भाई गोजो में भी लगा दें, सवारी में भी लगा दें, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में कितनी सारी वीडियो है, कितनी कितनी का डालूंगा, तो आप सीधे मेरे चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे आपको सवारी का और गोजो का और व्हाट्सअप ड्यूटी वो सारे मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। अगर वो उसमें काम करना चाहें तो उसका प्रोसेस कैसा है वो सारा कुछ वीडियो में देख के आप कर सकते हैं, कुछ समझ में ना आए कॉमेंट कर लेना, और मेरा फेसबुक पर चैनल देख लें तो फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लें, वहाँ भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, जो भाई यूट्यूब पे नहीं देखते हैं वो फेसबुक पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें। और भाई आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें भाई।
बस इतना ही कहना था, आप लोगों को जो समझ पड़े वो कर लेना भाई। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और कमेंट भाइयों के रिस्पॉन्स देते देते कंफ्यूज होना पड़ता है कि यार किस किस को कौन सा उनका जो डाउट क्लियर है वो कैसे निकाला जाए और उनको किस तरीके से टाइप उनको सजेस्ट किया जाए जो वो काम कर सके। दोस्तों आप ओला उबर के प्लेटफॉर्म में बिल्कुल नए हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करके काम करें, और गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं तो मेरा मानना है भाई आप सेकेंड हैंड यूज कार ले लें, बेहतर रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और अभी हम चलते हैं घर। मैं आया था एक ड्यूटी लेके, व्हाट्सअप की 1500 रुपये की डॉपिंग थी तो इधर पास में मैंने ड्रॉप किया, और अभी जा रहा हूँ मैं आनंद की साइड, देखता हूँ कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो चले जाएंगे घर। तो मिलते हैं एक नए सवेरे के साथ नई वीडियो।